अनकवर केमिस्ट्री, तो थंबनेल से पता ही चल गया होगा और ऊपर से यहाँ पे लिखा भी है, तो तुम लोग को पता ही चल गया होगा क्लास किसके ऊपर होने वाला है। तो हम लोग इलेक्ट्रोमेटिक एडिशन का सीरीज पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमेटिक एडिशन ही देखने वाले हैं। हालांकि हम लोगों ने देख लिया था इपॉक्सीडेशन क्या है मेरा लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत, तो उसी का कंटिन्यूशन करते हुए आज हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे। तो अगर वीडियो को समझना है तो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो टू गेट अपडेटेड। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिफोर गोइंग इन डिटेल अबाउट इपॉक्सीडेशन, आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल फ्लेवर अबाउट माय प्रीवियस क्लास, मींस मैंने क्या कराया था लास्ट क्लास में। आई एम शोइंग यू द रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म दैट आई हैव शोन यू इन द प्रीवियस वीडियो। तो उसके लिए मेरा प्रीवियस वीडियो को देख लेना, इलेक्ट्रोमेटिक एडिशन ऑफ क्या था, ब्रोमीन एंड इपॉक्सीडेशन था, तो वो देख लेना। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इपॉक्सीडेशन क्या होता है, हमारे पास एक डबल बॉन्डेड सिस्टम था एल्किन, और हमारे पास इपॉक्सीडेशन बहुत तरीके का हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू फॉर्म इपॉक्साइड्स, बट हम लोगों ने पैरासिट देखा था। पैरासिट क्या होता है, पैरासिट में हम लोगों ने स्पेसिफिकली एक देखा था एमसीपीबीए मेटाक्लोरोपारबेंजोइक एसिड था। ये क्या एजेंट है, ये इपॉक्साइड बनाता है जब भी हम लोग कोई रिएक्शन में इसको देंगे। MCPBA ये क्या जनरेट करता है, ये जनरेट करता है इपॉक्साइड। इपॉक्साइड क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, इसका मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा था, आज थोड़ा देखेंगे फिर भी। I'm giving you the mechanism also. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बॉन्ड है इसी की वजह से इसको बोलते हैं पार एसिड, पार एसिड बोलते हैं पार एसिड क्यों, क्योंकि ये एस्टर ऑफ हाइड्रोजन पारोक्साइड है। ये कहां से आता है, हाइड्रोजन पारोक्साइड से आता है। कोई भी तुम एनहाइड्रेट ले सकते हो, उस एनहाइड्रेट से अगर हम लोग हाइड्रोजन पारोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे एट हाई टेम्परेचर, we will get this parasite, very simple. तो ये parasite मिलता है, ये parasite हम हमेशा याद रखना, double bonded system में एक oxygen लगाता है, three member. तो इसका mechanism हम लोगों ने देखा था, तो ये है उसका MCPBA का structure, इसको तुम लोगों को याद रखना है। अभी फिलहाल में इसको for shortcut मैं इस group को R पकड़ूंगा और इसको कुछ ऐसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, okay? तो इसको देखो, इसका mechanism क्या है, उसका mechanism बहुत ही simple है। हमारे पास एक double bonded system होता है, वो जाके किसको अटैक करता है, वो जाके यहाँ पे ये है न्यूक्लियोफाइल, ये मैंने दिखा दिया था लास्ट क्लास में, फिर भी मैं दिखा रहा हूं। न्यूक्लियोफाइल ये अपना पाई ऑर्बिटल यूज करेगा, फील्ड पाई ऑर्बिटल जो यहाँ पे उसका होमो की तरह काम करेगा, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमेशा याद रखना, जब भी कोई रिएक्शन होता है होमो से लुमो में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो पैरासिट में ऐसा कौन सा ग्रुप है जो लुमो है, देखो मैं दिखाता हूं, पैरासिट में ये ग्रुप है एक्चुअली, ऐसा होता है पैरासिट, ये है पैरासिट हमारा। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड काफी वीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड काफी वीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक है, तो रिएक्शन यहां से स्टार्ट होता है। इस ऑक्सीजन का सिग्मा स्टार, एम्प्टी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल ये यूज करेगा, जो हम लोग बोलते हैं लुमो, मतलब इसका पाई फील्ड पाई से इसका एम्प्टी सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जाएगा। कैसे देखो, तो ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, लेकिन द थिंग इज we have to know the exact way of giving arrows in reaction mechanism. कोई भी arrow दे सकता है reaction mechanism में, लेकिन first तुम लोगों को सीखना होगा। देखो यहाँ से first arrow जो आएगा वो इस oxygen में जाएगा, क्योंकि reaction यहाँ से ही start हो रहा है। ये oxygen electron deficient है, क्यों मैंने बोला ये electrophilic है, क्यों electron deficient है, क्योंकि ये bond काफी weak है, और जब ये टूटेगा ये जो एक group आएगा यहाँ से, ये एक leaving group आएगा। देखो ये bond यहाँ पे गिरेगा ना, मैं दिखा रहा हूँ, ये bond जब भी इसको attack करेगा ये bond टूट के oxygen के ऊपर आएगा। अभी देखो यहां से ये जनरेट हुआ एंड दिस इज क्वाइट स्टेबल, कैसे ये रेजोनेंस करता है ऐसे, एंड बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन ये लिविंग ग्रुप है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए ये बॉन्ड टूटता है। जस्ट यू हैव टू गिव द फर्स्ट एरो प्रॉपर्ली एंड देन यू जस्ट फॉलो द ऑर्डर, कैसे जैसे इसको अटैक किया उसके बाद देखो क्या होता है। मैं दिखाता हूं, मैं इस बॉन्ड को ऑक्सीजन के ऊपर नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, डायरेक्टली यहां पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर उठेगा, उठने के बाद क्या होगा, ये जाके इस हाइड्रोजन को लेगा। दिस हाइड्रोजन इज क्वाइट एसिडिक, इट इज नॉट एज एसिडिक एज बेंजोइक एसिड एज एसिटिक एसिड, स्टिल इट इज एसिडिक बिकॉज दिस इज ए पार एसिड, इट इज ए वीक एसिड। उसके बाद ये हाइड्रोजन को ले लेगा और ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्टली जाके इस कार्बन को अटैक करेगा। तो ये कार्बन ने जाके इस ऑक्सीजन को अटैक किया, फर्स्ट एरो इज दिस वन, उसके बाद जस्ट फॉलो द ऑर्डर, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया। यहाँ से जो प्रोडक्ट है वेरी सिंपल, यहाँ से जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरह है, CH2 ऑक्सीजन, और ये रिएक्शन हमेशा एक ही फेज में होता है, सेम फेज में ये रिएक्शन होता है,
ये बात याद रखना, ये बात भूलना नहीं। तो हम लोगों को पता चला ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसका फील्ड पाई ऑर्बिटल इसका सिग्मा में, सिग्मा स्टार में जाता है, इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार मींस नो लोअर स्टार ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पे एक ट्रांजिशन स्टेट भी होता है, ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह होता है, देखो ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह होता है, मैं दिखा दूं, ट्रांजिशन स्टेट होता है इस तरह, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये टूट रहा है, यहां पे कार्बन ऑक्सीजन आर ग्रुप, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, यहां पे टूट रहा है, यहां पे एक और बॉन्ड बन रहा है, यहां पे एक और बॉन्ड बन रहा है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। थ्रू दिस ट्रांजिशन स्टेट ये रिएक्शन होता है एक्चुअली, तो ये याद रखना, दिस ट्रांजिशन स्टेट ऑफ दिस रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हम लोगों ने मेरा प्रीवियस क्लास में देख लिया था, इसका दिस मैकेनिज्म, तो इस ये तो बहुत ही सिंपल है, ये एक बहुत ही अच्छा रिएजेंट है जो इपॉक्साइड बनाने के लिए काम आता है। तो आज हम लोग देखेंगे, ये तो देख लिया हम लोगों ने कैसे एल्कीन इपॉक्साइड बनाता है विद द हेल्प ऑफ दिस एमसीपी भी है, हालांकि ये यहां पे स्टॉप नहीं होता, बाकी कोई भी न्यूक्लियर वाला इसको फिर से तोड़ देगा, ये अनस्टेबल है, ये इतना भी स्टेबल नहीं है, तो इसको फिर से तोड़ देगा, वो पार्ट हम लोग इस क्लास में नहीं पढ़ रहे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन पढ़ रहे, सिंपल। तो एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन हुआ, खत्म बात, यहाँ पे खत्म। तो यहां से हम लोग को क्या जनरेट हुआ, साथ में जनरेट होगा एक सी डबल बॉन्ड, एक एसिड जनरेट हुआ, आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, हालांकि आर ग्रुप एक मेटा क्लोरो है, ऐसा कुछ है यहाँ पे, आर ग्रुप जो है कुछ ऐसा है, बाकी यहाँ पे तो ग्रुप लगा हुआ था, मैंने दिखाया था तुम लोगों को स्ट्रक्चर। तो ये क्या है उसका मैकेनिज्म विद ट्रांजिशन स्टेट एंड कैसे पाई से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जाता है वो देखा। और हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा था इस रिएक्शन के बारे में, ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर बता के देगा कि प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, हम लोग एक दो एग्जांपल देखेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक का क्या होता है, जस्ट गो टू माय प्रीवियस वीडियो, यू कैन फाइंड व्हाट स्टीरियो स्पेसिफिक एक्चुअली इज। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, हाउ सब्स्टिट्यूएंट्स इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। हम याद रखना है बात, ये रिएक्शन जो है अगर ये एक सिंपल इथिन है, इसका अगर रेट 1 है, अगर इस इथिन में हम लोग एक एमई मतलब एक मिथाइल ग्रुप, मिथाइल मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये लगा देंगे तो इसका रेट हो जाएगा 5। अगर इसमें हम लोग पकड़ लो 2 एमई लगा देते हैं, 2 एमई तो इसका रेट हो जाएगा पकड़ लो 25। 2 एमई अगर लगा देंगे तो इसका रेट हो जाएगा 500। ये 2 एमई कहीं पे भी हो सकता है, ये 2 एमई कहीं पे भी हो सकता है, इधर में भी एमई हो सकता है, एमई हो सकता है, इसका भी 500 ही होगा। अगर हम लोगों ने पकड़ लो यहाँ पे एमई एक और एमई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो इसका हो जाएगा 6500 रेट, इसका एमई इसका ग्रेटर देन 6500। तो एक रिलेटिव टर्म है एक्चुअली। तो कैसे देखो, विथ एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन द डबल बॉन्डेड सिस्टम इट्स रेट, ये रेट है, रेट इंक्रीज हो रहा है। तो ये बात याद रखना, हम लोगों ने देखा था सेट्जेफ रिएक्शन में, हम लोगों ने देखा था हमेशा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल, एक्चुअली वही फैक्टर, दैट फैक्टर मेक्स इट मोर न्यूक्लियोफिलिक। कैसे, क्योंकि बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये सब मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इन सिंपल सेंस में बोल सकता हूं, जब भी डबल बॉन्डेड सिस्टम में कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीज कर देगा। तो हम लोगों ने देखा ये रिएक्शन में ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, तो इसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल, मतलब क्या है पॉजिटिव लविंग, उतना अच्छा पॉजिटिव लविंग स्पीशीज की तरह काम कर सकता है। तो इसीलिए जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा और जितना ज्यादा रहेगा उतना ही वो रिएक्टिव होगा, उसका रेट उतना ही फास्ट होगा। हालांकि अगर सब्स्टिट्यूएंट 4 है लेकिन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तब लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, रादर इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ऐसा रिएक्शन भी हम लोग देखेंगे बाद में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन में। तो ये सब अभी यहाँ पे छोड़ो, अभी यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है और सब्स्टिट्यूशन रहता है डबल बॉन्डेड सिस्टम में, तो हमेशा याद रखता है एक ऑक्सीडेशन का जो रेंज होता है बहुत ही फास्ट होता है। अभी ये क्यों होता है मैं दिखाता हूँ, देखो ये इसको नोट डाउन करके रखना, ये क्यों होता है, हम लोगों ने देखा था मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज द मोस्ट स्टेबल एंड आई हैव मेंशनड दैट फैक्टर इज द ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रेटर न्यूक्लियोफिलिसिटी। कैसे देखो मैं दिखाता हूँ, हम लोगों को पता है कोई भी डबल बॉन्डेड सिस्टम में हम लोगों ने देखा था अगर यहाँ पे CH3 है पकड़ लो, यहाँ पे H पकड़ लो, यहाँ पे H पकड़ लो, यहाँ पे H पकड़ लो, हम लोगों ने देखा था कभी, हम लोगों को पता है जब भी कोई ये ग्रुप रहता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हाइपर कंजुगेशन कुछ था ऐसा कुछ, कार्बोकैटायन को स्टेबिलाइज करता है, बहुत कुछ देखा था हम लोगों ने, कैसे करता है एक्चुअली इसका सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा किसका बॉन्ड, CH का सिग्मा बॉन्ड, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे और सी ग्रुप लगा होगा, CC का सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इसका पाई एंटी बॉन्डिंग को स्टेबिलाईज करता है,
सिग्मा बॉन्ड पाई एंटी बॉन्डिंग को स्टेबिलाइज करता है बोल के हम लोगों ने बोला था मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल। स्टेबिलाइज करता है मतलब क्या है, मतलब इसका सिग्मा बॉन्ड और इसका जो पाई एंटी बॉन्डिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा घर मिलेगा मतलब इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्टेबल, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे क्या होता है, वही फैक्टर काम करता है। देखो मैं दिखाता हूँ, पकड़ लो यहाँ पे कार्बन का, इस कार्बन का यहाँ पे पकड़ लो एक कार्बन है और यहाँ पे पकड़ लो एक और ग्रुप लगाता हूँ मैं CH2 CH3 इथाइल ग्रुप। तो इस डबल बॉन्ड के जो एडजस्टेंट दो कार्बन है, देखो एक में क्या है CH बॉन्ड है, एक में क्या है CC बॉन्ड है, तो ये सब बॉन्ड है। तो ये सब बॉन्ड क्या करेगा, ये सब कोई भी बॉन्ड कर सकते, दिस और दिस सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा ऑफ दिस। पकड़ लो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा में दो इलेक्ट्रॉन रहता है और हम लोग को पता है ये पाई बॉन्ड है, पाई ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, पाई ऑफ सी डबल बॉन्ड सी होमो। तो ये है उसका होमो, समझ में आया। तो ये क्या है, ये होमो है ना, तो ये क्या करेगा, देखो ये पाई में दो इलेक्ट्रॉन है तो अभी क्या कर रहा है, इसका सिग्मा बॉन्ड, कौन सिग्मा बॉन्ड, सी एच और सी सी सिग्मा बॉन्ड जो है वो इस पाई के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। कैसे इंटरेक्ट कर रहा है हम लोग को पता नहीं, जस्ट इंटरेक्ट कर रहा है। देखो दैट इंटरेक्शन यहाँ पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट करता है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट कर रहा है, एक लोअर एनर्जी हायर एनर्जी, हम लोग को पता है ये सब। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अभी देखो अभी होमो चेंज हो गया, पहले ये पाई बॉन्ड जाके पारेसिट का ऑक्सीजन पे अटैक किया था, याद है ये होमो था, होमो पाई बॉन्ड मैंने दिखाया था, ये पाई बॉन्ड जाके पारेसिट का ऑक्सीजन पे अटैक किया था, अभी ये वाला जाके अटैक करेगा। अभी देखो एनर्जी थोड़ा इंक्रीज हो गया इसका, इसका एनर्जी देखो थोड़ा इंक्रीज हो गया, मतलब इट इज मोर रिएक्टिव, हम लोग बोल सकते हैं इसका एनर्जी एनहांस हो गया, मतलब इट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स दिस एडिशन। तो अभी जाके ये ज्यादा फास्ट अटैक कर पाएगा, मतलब जितना ज्यादा कार्बन स्पीशीज रहेगा यहाँ पे उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा पाई ऑर्बिटल के साथ और उतना ही ज्यादा इसको इंक्रीज करेगा, इतना ही ज्यादा होमो का एनर्जी बढ़ जाएगा। होमो का एनर्जी बढ़ जाना मतलब रिएक्शन रेट और फास्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर रिलीजिटी बढ़ जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। और किसको देगा, पॉजिटिव को, हम लोग बोल सकते हैं इसका पाई और उसका सिग्मा स्टार का स्टार में जो एनर्जी गैप है वो मैच हो जाएगा और ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। इसीलिए हम लोगों ने देखा जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रहेगा कहां पे, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन एल्किन में रहेगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा इपोक्सीडेशन में। इपोक्सीडेशन में एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं, पकड़ लो हमारे पास ये एक डबल बॉन्ड सिस्टम है और हम लोगों को दिया MCPBA, इसका स्ट्रक्चर तुम लोगों को पता है, मैं नहीं दिखा रहा हूं। तो वेरी सिंपल, इसको हम लोगों को पता है यहां पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, लेकिन अभी पकड़ लो हमारे पास कुछ ऐसा एक सिस्टम है और दिया MCPBA, हालांकि वन इक्विवेलेंट मतलब क्या है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल हम लोगों के पास मौजूद है, वन इक्विवेलेंट, तो एक ही मॉलिक्यूल है तो कहां पे अटैक होगा, याद रखना इन दोनों में से मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज दिस, हम लोगों को पता है मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड इज मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक, सो दिस डबल बॉन्ड इज मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक एंड दिस इज लेस न्यूक्लियोफिलिक, तो यहाँ पे इपोक्सीडेशन होगा। मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड जहां पे है वहां पे इपोक्सीडेशन होगा, और अगर यहाँ पे मोर देन वन इक्विवेलेंट होता तो यहाँ पे भी हो जाता, दोनों तरफ होता। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं तुम लोगों को, पकड़ लो कुछ ऐसा है एक एग्जांपल ऐसा, और पकड़ लो ऐसा है, अभी तुम लोगों को दिया MCPBA, तो MCPBA ऑलमोस्ट एवरी डबल बॉन्ड सिस्टम को इपोक्सीडाइज कर पाता है। तो यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला, तो इपोक्सीडेशन यहाँ पे ही होगा, इपोक्सीडेशन यहाँ पे ही होगा, याद रखना इपोक्सीडेशन यहाँ पे ही होगा ना कि यहाँ पे। यहाँ पे अगर वन इक्विवेलेंट होता है तो ये होगा, मोर देन वन इक्विवेलेंट और एक्सेस अमाउंट होने से दोनों बॉन्ड को वो इपोक्सीडाइज करेगा, ये भूलना मत। तो यही है, वेरी सिंपल, यही है इपोक्सीडेशन का मैकेनिज्म एंड उसका जो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन एल्किन, समझ में आ गया। तो अभी मैंने एक और बात बोला था, कभी कभी क्या होता है, हम लोगों ने देखा MCPBA ऑलमोस्ट एवरी डबल बॉन्ड को क्या कर पाता है, इपोक्सीडाइज कर पाता है। हमारे पास पकड़ लो कुछ ऐसा मतलब एक डबल बॉन्ड में पकड़ता हूं, पकड़ लो ऐसा डबल बॉन्ड है, पकड़ लो एक ऐसा डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड को क्या कर पाएगा MCPBA, ऐसा इसको अगर हम लोग क्लोज कर देंगे, पकड़ लो इसको, अच्छा इसको अगर हम लोग को क्लोज कर देते हैं तो ये डबल बॉन्ड को MCPBA कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इससे जो इपोक्साइड जनरेट होगा कुछ इस तरह होगा, कुछ इस तरह इपोक्साइड होगा, इपोक्साइड हुआ, इसको स्पीरिन बोलते हैं, स्पीरो, ये बहुत ही स्ट्रेन रिंग होता है। तो ये कब होगा, जब हमारे पास जो पारोक्साइड है, पारोक्साइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, पारोक्साइड ज्यादा रिएक्टिव कब होगा, पारोक्साइड हमारे पास क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं इपोक्सीडेशन के लिए
परऑक्साइड यूज करते हैं। परऑक्साइड अगर हम लोग ये परऑक्साइड यूज करेंगे C डबल बॉन्ड O O O H, हम लोगों ने क्या यूज करा था MCPB, यहाँ पे मेटा क्लोरो था, नहीं यहाँ पे पैरा नाइट्रो है, अभी पैरा नाइट्रो पारबेंजोइक एसिड, इसका नाम क्या है पैरा नाइट्रो पारबेंजोइक एसिड, देखो इसका नाम है पैरा नाइट्रो पारबेंजोइक एसिड। यहाँ पे MCPBA काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा MCPBA काम, क्यों नहीं करेगा ये वाला काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला से जो जनरेट हो रहा है स्टीरियो कंपाउंड काफी स्ट्रेंड है, अनस्टेबल है, ये दो रिंग एक साथ जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, तो ये काफी अनस्टेबल है, तो इसको जनरेट करने के लिए हम लोग को मोर रिएक्टिव पार एसिड चाहिए होगा, ये है मोर रिएक्टिव पार एसिड MCPBA, क्यों, क्योंकि ये देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये रिंग को और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर लेगा, तो रिंग को अगर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर लेगा रिंग का टेंडेंसी रहेगा और खींचना, तो यहां से जो कॉन्जुगेट बेस जनरेट होता है कॉन्जुगेट बेस, वो बेस और ज्यादा स्टेबिलाईज होगा क्योंकि ये निगेटिव है और यहाँ पे ये रिंग का जो कैरेक्टर है वो कुछ पॉजिटिव की तरह है क्योंकि रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो और खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इट कैन स्टेबिलाईज दैट इलेक्ट्रॉन पेयर मोर देन द अर्लियर केस, इसीलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है याद रखना। तो यूजिंग दिस वी कैन कन्वर्ट दिस फ्रॉम दिस, वेरी सिंपल, समझ में आया। तो यही है हम लोगों का इपॉक्सीडेशन, हम लोग और ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे और टफ, मेरा इंटेंशन क्या है पता है, मेरा इंटेंशन है तुम लोगों को एकदम इजी से शुरू करके टफ तक लेके जाना, तो इसलिए पहले हम लोग इजी चीज को अच्छे से समझना होगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड द इजी पार्ट फर्स्ट, आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग टू एडवांस्ड। ओके, अभी देखो, अभी मैंने बोला था स्टीरियो स्पेसिफिक, ये स्टीरियो स्पेसिफिक क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब क्या है, रिएक्शन का प्रोडक्ट एक ही आएगा एंड द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट will be determined by the stereochemistry of the reactant. Abhi ye kaise? Abhi dekho, hamare paas kuch aisa ek double bonded system hai, pakad lo. H, H, CH3, CH3. Ye ek cis compound hai. To isko epoxide kya pakad lo? MCPBA se. To iska product kya aega? Hum logo pata hai, very simple. C, single bond C. Yaha pe double bond, yaha pe ye. To yaha pe abhi tetrahedral bond ho gaya, aisa ho gaya. Ek below rahega, hum logo pata hai tetrahedral bond ke baare mein. To yaha pe dekho, tum logo just ye yaad rakhna hai. Yaha pe H jayega, yaha pe H jayega. यहाँ पे सी एच टी जाएगा, यहाँ पे सी एच टी जाएगा, मतलब देखो यहाँ पे सीस था, ये यहाँ पे भी सी सी है, क्यों सी सी, क्योंकि दोनों सी एच टी एक ही तरफ है, देखो दोनों बॉन्ड को मैंने एबाव एबाव दिया, ये दोनों सी एच टी जहाँ पे एबाव बॉन्ड में है, वेज लाइन में है, वेज लाइन में, मतलब दोनों का ओरिएंटेशन इन स्पेस सेम डायरेक्शन में है, जैसे यहाँ पे सीस था, अगर पकड़ लो यहाँ पे होता, यहाँ पे ऐसा कुछ होता, ये ट्रांस कंपाउंड है, ट्रांस और ई, इसको अगर हम लोग एम सी पी बी ए देंगे, इसको भी सेम इपॉक्साइड ही जनरेट करेगा, लेकिन अभी क्या होगा, देखो अभी हम लोग को क्या देखना है, अभी देखो यहां पे आएगा सी एच थ्री, यहां पे आएगा H, यहां पे आएगा सी एच थ्री, यहां पे आएगा H, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट, देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट क्या है, अच्छे से देखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट है ट्रांस, ट्रांस मतलब दो बराबर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पे दो बराबर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, एक अबव बॉन्ड में एक बिलो बॉन्ड में, तो वही चीज तुम लोगों को याद रखना है, इसको ही बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक, द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट, वेरी सिंपल, यहां पे देखो इसमें जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है यहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहां पे ट्रांस था, यहां पे भी ये ट्रांस ही है, यहां पे भी ये ट्रांस ही है, ट्रांस ही, अभी ये क्यों हुआ, ऑब्वियसली ये होगा ना, क्योंकि ये जब रिएक्शन हो रहा है एक ही फेस से, पकड़ लो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो ये ऊपर से ये इपॉक्साइड का ये जो ओ है, ऑक्सीजन होता है ना, किसका ऑक्सीजन होता है, पार एसिड का ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन ऊपर से अटैक करता है, ऐसे 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 अटैक करता है, तो जो अटैक हो रहा है हम लोग ट्रांजिशन स्टेट देखा था कुछ इस तरह बनता है ट्रांजिशन स्टेट, तो ऊपर से बनेगा, तो जो जो ग्रुप है वो उस तरफ चला जाएगा, वो तो ठीक है, तो देखो जब उस तरफ जाएगा सीएचसी का ओरिएंटेशन इधर नहीं आ रहा है, उधर ही रह रहा है, ये सीएचसी का ओरिएंटेशन इधर रह रहा है, उधर नहीं जा रहा है, मतलब जस्ट पीछे जा रहा है, अभी तो पहले ये प्लेनर मॉलिक्यूल था, अभी यहां पे प्लेनर नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी उन लोगों का डायरेक्शन चेंज नहीं, ओरिएंटेशन इन स्पेस चेंज नहीं हुआ, हाँ प्लेनरिटी थोड़ा चेंज हो गया लेकिन ओरिएंटेशन इन स्पेस चेंज नहीं हुआ, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रहेंगे, यहाँ पे दोनों सिमिलर डायरेक्शन में थे, यहाँ पे दोनों सिमिलर डायरेक्शन में ही रहेंगे, तो दैट इज द स्टीरियो स्पेसिफिकेशन, तो याद रखना इपोक्सीडेशन यूजिंग दिस MCPBA और यूजिंग दिस पार एसिड और पारोक्सी एसिड इज ऑलवेज स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर, वेरी सिंपल, तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन में और ज्यादा रिएक्शन है, तुम लोग चाहो तो देख सकते हो, बहुत सारा रिएक्शन तुम लोग को मिल जाएगा, लेकिन द थिंग इज तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसमें, तुम लोग को अगर एक्सपर्टाइज करना है तो अगर तुम लोग को अच्छा लगा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर जरूर करना और कीप योरसेल्फ अपडेटेड, क्योंकि और बहुत सारा वीडियो ऐसे आने वाला है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।